हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विभास झा और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। जी हां दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। आज फर्स्ट क्लासेस है तो सबसे पहले इसके बेसिक बातों को हम लोग जानेंगे। पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आपने पहले किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को नहीं पढ़ा है तो आप पाइथन से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हैं। पाइथन बहुत ही बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसको सीखना बहुत ही आसान है, ईजी टू यूज़। पाइथन प्रोग्रामिंग को सीख कर आप वेबसाइट, गेम और गूगल जैसे सर्च इंजन बना सकते हैं। पाइथन की हिस्ट्री, पाइथन को गुइडो वॉन रोसुम द्वारा 1985 से 1990 के दौरान नीदरलैंड्स में बनाया गया था। पाइथन का पहला संस्करण जनवरी 1994 में निकाला गया था, यानी फर्स्ट वर्जन पाइथन की 1994 में निकाली गई थी, दूसरी वर्जन अक्टूबर 16, 2000 में एंड थर्ड दिसंबर 3, 2008 में निकाली गई थी। अभी पाइथन 3.6 वर्जन चल रहा है जिसे दिसंबर 23, 2016 में निकाला गया था। पाइथन को पढ़ने या पाइथन का उपयोग करने में हमें कोई लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, यानी इसको खरीदने की जरूरत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर होती है। पाइथन की यूजेस क्या है, पाइथन में क्या स्पेशलिटीज है। पाइथन के साथ किसी भी डेटाबेस का उपयोग करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C, C++ के साथ पाइथन को जोड़ना भी बहुत आसान है। पाइथन को स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे PHP की तरह उपयोग करके एक डायनामिक वेबसाइट बनाने में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा पाइथन को कंपाइल करके C, C++ जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी इसका उपयोग किया जा सकता है। इस समय अमेरिका जैसे देशों में डायनामिक वेबसाइट को बनाने के लिए पाइथन का क्रेज बड़े जोरों पर है, यानी हैकर भी जो है पाइथन को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि पाइथन के कई मायने में वेबसाइट हैकिंग को आसान बनाता है। अगर आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अपने कंप्यूटर पर चलाना चाहते हैं तो आपको पहले पाइथन इंटरप्रेटर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। पाइथन इंटरप्रेटर को फ्री डाउनलोड करने के लिए आप पाइथन की ऑफिशियली वेबसाइट www.python.org/downloads पर जैसे क्लिक करोगे वहाँ पर आपको दिखेगी। आपको वहाँ से अपने कंप्यूटर की बिट्स सेलेक्ट करनी है। जैसे अगर आपका कंप्यूटर 32 बिट्स है तो आप 32 बिट्स को सेलेक्ट करोगे। अगर आपको इस कंप्यूटर 64 बिट्स की है तो आप वो सेलेक्ट करोगे। और साथ ही अगर आप विंडोज़ चला रहे हो तो विंडोज़ को चेक करना होगा कि आपकी कौन सी विंडोज़ है। अगर आप मेक ऑपरेटिंग यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ से उसके लिए भी वेबसाइट पर लिंक दिया हुआ रहता है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड करना चाहते हो तो कर सकते हो। जब आप उसको वहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आप वहाँ से उसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉलिंग करने के लिए मैं इसके अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊँगा कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल कर सकते हैं हम लोग और कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पाइथन को आप ऑनलाइन यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा चाहते हैं ना कि हम पाइथन को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल नहीं करें बल्कि हम ऑनलाइन पाइथन के कोड को रन कराना चाहते हैं और एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, एग्जीक्यूट से मतलब है दोस्तों कि हम जो भी लिख रहे हैं उसका आउटपुट अगर हम ऑनलाइन देखना चाहते हैं, ना कि हम ऐसा चाहते हैं कि हम ऑफलाइन नहीं डाल के हम ऑनलाइन ही काम करें, मतलब ऑनलाइन जो भी कोडिंग करेंगे उसका एग्जीक्यूट जो है उसका आउटपुट जो है हमको ऑनलाइन देखना है, तो उसके लिए यहाँ पे लिंक दी गई है। आप यहाँ से भी, इस वाले लिंक से भी आप पाइथन को ऑनलाइन एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोडिंग कर सकते हो। पाइथन को इंस्टॉल करना और उसको यूज़ करना हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल काइट टेक्निकल इंस्टीट्यूट। और दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्त, फ्रेंड्स जो भी है वो इस लैंग्वेज को आसानी से सीख सके। थैंक यू।